राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कबलगलतम वाग्मय ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग सर्गा नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकुलकोपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृजातं सह रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञान निमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नाकार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवौ प्रेष्ठादिभिः सेव्यमानौ स्मरामि पुल्लल वल्लभ ललनाधर पल्लव पानोत्तम नौम समल्ली मालम हरिहरीशोल्लसितम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नारायणाय नमः नराय नमः नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंहेयं च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्तियुक्त सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरु मंद मते हृदयांगा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमंगल श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय उनने संपूर्ण शास्त्र और निज अनुभव उनको निज अनुभव से प्रमाणित जो संपूर्ण शास्त्र उस शास्त्र को सार को श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका ने निरूपण किया। श्री कृष्ण चंद्र है चंद्र और प्रेमा भक्ति ही है उनकी चांदनी और उस चांदनी की मधुरिमा का आस्वादन उस मधुरिमा के द्वारा भक्तों का परम कल्याण हो उसका स्वाद भी ले सके उस चांदी को कृपा करके श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने फैलाया। इस चांदी के द्वारा ही भक्तों का भजन रूपी जो उमुद है वह खिलेगा। जैसे सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है इसी प्रकार चंद्रमा के प्रकाश से उमुद खिलती हैं। तो भक्तों के हृदय रूपी उत्पल हृदय रूपी कमल उत्पल कुमुद वे श्री प्रेम भक्ति रूपी जो चांदनी है उस चांदनी से ही खिलेंगे। तो उस चांदनी की मधुरिमा का प्रेम भक्ति की प्राप्ति कैसे हो
उस प्रेम भक्ति की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए साधक को जिस आँख की जरूरत है, श्री गुरुदेव की शरणागति प्राप्त करके उस आँख को उन्होंने प्राप्त किया कि अज्ञान तिमरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, कि अज्ञान के तिमिर से, अंधकार से हमारी आंखें मुक्त हो जाएं, तो वस्तु और वो जो माधुर्य है प्रेम भक्ति की जो चंद्रिका है, उस चंद्रिका का हमको दर्शन हो जाएगा, अन्यथा अंधे व्यक्ति को दर्शन नहीं होगा। और इस प्रेम भक्ति चंद्रिका को दिखाने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का रहा है तो वो विशेष रूप से उनका वंदना कर रहे हैं श्री रूप सनातन। तो पूर्व श्लोक में रूप सनातन त्रिपदी ये छंद है, प्राप्ति ये छंद है, और इस त्रिपदी छंद में श्री रूप सनातन उनकी विशेष रूप से यहाँ पर वंदना की गई थी। और ये निरूपण कराए कि श्री रूप सनातन ने कृपा करके जो सिद्धांत स्थापित किए, वे सिद्धांत ही श्री युगल प्रेम उनको प्रदान करने वाले हैं। तो युगल किशोर प्रेम लक्ष्मण जेनो क्षेत्र कल वर्णन कराए थे इस प्रसंग को कि युगल का प्रेम मानो आज लक्ष्मण जेनो हेम जैसे चमचमाता हुआ जिसमें कोई भी दोष नहीं है, ऐसा कुंदन है, ऐसा शुद्ध स्वर्ण है। उस वो प्रेम साधक के हृदय में भी आया, परंतु साधक के हृदय में आने पर अभी उसके हृदय में पहले से जो मैल है उस मैल के साथ में मिल रहा है। अब यदि सोने में अन्य धातु कहीं मिली हुई है तो उसमें दाग आएगा। उसको दूर करने का उपाय ये है कि यदि उसमें सुहागा डाल दिया जाए तो सुहागा डालने पर जो भी मैल है वह अवक्षेप होकर के ऊपर अलग निकल जाएगा, जो तामा रांगा इत्यादि मिला हुआ है वो निकल जाएगा अलग, और जो शुद्ध सोना है वो सामने आ जाएगा। जैसे चीनी तो मिल जाएगी पानी में, परंतु चीनी में जो मलाई जो मैल है उस मैल को निकालने के लिए यदि खदकती हुई चाशनी में यदि दूध के छींटे मारे जाए, पानी डाला जाए, तो पानी डालने पर जैसे चीनी फट जाएगी और फट करके जो मैल है वह अवक्षेप के रूप में तैर करके किनारे मैल आ जाएगा, उसको झारा से निकाल करके अलग रखा जा सकता है। किसी तुच्छ कार्य में, कम हल्के कार्य में उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार श्रीमद् गुरुदेव की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक हमको वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। श्री रूप सनातन की वाणी वह अपूर्ण रूप से कृपा करने वाली है, परंतु एक बात कही गई कि वाणी जो है वह है, कहीं रसकों ने कहा कि वाणी बीजक है। जैसे मोक्ष धन को खजाने को प्राप्त करने के लिए बंजारे ने जो संपत्ति है उसको जिस पहाड़ी के भीतर जहाँ किसी तालाब में दबा करके उसने अपनी संपत्ति रखी है और उसने उसका एक बीजक बनाया है पत्थर के ऊपर, कहीं खोद करके लिख करके मिटे नहीं, वो बीजक कहीं उसने रास्ते में कहीं लगा दिया अनजानी जगह पर। अब यदि किसी को बीजक मिल जाए तब तो वो रास्ता तक उस रास्ते को ढूंढ करके वहां खजाने तक पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। ऐसे ही रसकों की वाणी वहां है एक बीजक, और श्री कृष्ण प्रेम युगल किशोर प्रेम लक्ष्मण जेनो हेम वह मानो चमचमाता हुआ स्वर्ण है, परंतु वो स्वर्ण मिलेगा तब जबकि किसी के हाथ में बीजक हो। बीजक नहीं है तो वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता है। वो यदि बीजक के अभाव में यदि कोई खुदाई भी करे किसी पुराने किले में तब भी
खुदाई करने पर भी धन नहीं मिलेगा। अच्छा मानो धन खुद मिल भी गया, धन तक पहुंच भी गया व्यक्ति, तो उस धन की सुरक्षा करने के लिए कितनी व्यवस्था की हुई होगी वहां पर कि उस धन तक अनधिकारी उस धन तक नहीं पहुंच पाएगा। हो सकता है कि वहां पर मकड़ियों का जाला हो, वहां पर मुहार के छत्ते हो और वे चिपक जाए, वहां पर कोई भूतनी बैठी हो, वहां पर कोई शेरनी बैठी हो। इसलिए श्री कविराज गोस्वामी नूरपुर कहते हैं, बोले भाई कभी दक्षिण के मार्ग से मत जाना, अर्थात योग के मार्ग से मत जाना। योग के मार्ग से जाओगे तो तुमको सिद्धि रूपी ततैया लग जाएंगी। तुम उस धन को प्राप्त करने के लिए वाम मार्ग से भी मत जाना, वहां वाम मार्ग में एक भूतनी बैठी है, मुक्ति की स्पृहा रूपी पिशाची बैठी है, वह तुमको उस प्रेम धन तक नहीं पहुंचने देगी। उसको प्राप्त करने के लिए तुम योग मार्ग की ओर, जो उत्तर मार्ग है, उस उत्तर मार्ग की ओर से भी मत जाना। उत्तर मार्ग से जाओगे तो वहां पर भी जाने पर तुमको कहीं जितनी भी सिद्धियां हैं वो सिद्धि रूपी कहीं भक्ति ज्ञान के मार्ग से जाओगे उत्तर के मार्ग से, तो वहां पर एक शेरनी बैठी है, वो मुक्ति रूपी शेरनी खा जाएगी। इसलिए तुमको जाना है पूर्व के मार्ग से, और पूर्व का मार्ग भी जैसे बताया हुआ है उस तरह से, बीजक में जैसे बताया हुआ है उस मार्ग से जाओगे तो वो धन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। वो भी अधिकार होगा तो मिलेगा, और अधिकार प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है कि जिसका धन है उसकी सेवा करके उसकी अनुमति यदि प्राप्त की तब तो उस धन को वो तुमको प्राप्त कराएगा, और जो अनधिकारी है उसको प्राप्त नहीं कराएगा। इसलिए गुरुदेव की वाणी प्राप्त कर लेना ये ही मुख्य वस्तु नहीं है, उस वाणी के साथ गुरुदेव की कृपा की प्राप्ति होना भी मुख्य वस्तु है। वाणी तो सब जगह छपी हुई है, और कोई धन के द्वारा भी उन वाणियों का संकलन कर सकता है, परंतु गुरुदेव की वाणी मात्र से ही काम नहीं चलेगा, उनकी कृपा की भी आवश्यकता है। युगल किशोर प्रेम, युगल किशोर रूपी जो अपूर्व प्रेम है वह लक्ष्यवान जेनो हेम, वह मानो शुद्ध सोना है, और उस शुद्ध सोने को प्राप्त करने के लिए जैसे सोने की शुद्धि करने के लिए उसमें सुहागा डाल करके ही उसके मेल को, उसमें जो मिलावट है उस मिलावट के को अवक्षेप के रूप में निकाल करके कहीं अलग किया जा सकता है, उसमें जो तांबा मिला हुआ है वो तांबे को निकाल करके तो 24 कैरेट उसको निकाला जा सकता है, जो कुछ भी मिलावट थी उसको निकाल करके 24 कैरेट अलग और बाकी का जो है उसको अलग निकालना है। इसी प्रकार श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा ही मिलोनी से साधक बचेगा। और मिलोनी क्या है, बोले मिलोनी है भोग मोक्ष की इच्छा, यही है मिलोनी। मोक्ष की इच्छा सबसे बड़ी मिलोनी है, उससे भी व्यक्ति तब बचेगा जब गुरुदेव की कृपा होगी। हेनो धन प्रकाशिला चारा, इस प्रकार मिलोनी रहित श्रम तम दम भ्रम, इन चार दोषों से, चार मिलोनियों से रहित जो शुद्ध प्रेम है, श्री दुकुंज योग पीठ में युगल सरकार का अपूर्व विलास, उस योग पीठ में प्रवेश करने की स्थिति तब प्राप्त होगी जब साधक को श्री रूप गोस्वामी जी की कृपा पद्धति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे धन को जिन्होंने कृपा करके प्रकाशित किया, जय रूप सनातन मोह मोरे प्रेम धन, बोले हे श्री रूप सनातन मैं बलात् उस धन को प्राप्त नहीं कर सकता हूं। जैसे कोई खजाने तक पहुंच भी जाए, बीजक भी उसके हाथ में लग जाए, खजाने तक पहुंच भी जाए, परंतु यदि जिसका धन है उसने अनुमति नहीं दी, उसने वहां पर बैठाया हुआ है किसी वित्त यक्ष को,
तो वो लक्ष्य भीतर तक नहीं पहुंचने देगा। उसने बैठाया हुआ है वहां पर किसी सर्प को, तो वो सर्प भीतर नहीं बैठ तो घुसने देगा उस खजाने में। इसी प्रकार ये तुम्हारी कृपा होगी तो सर्प हट जाएगा, वो यक्षिणी रास्ता दे देगी, नहीं तो वो पितृ यक्ष जिस कुएं में वो धन रखा है उस कुएं में बैठी हुई है वो यक्षिणी, कोई भी उस कुएं में उतरने का कोशिश करेगा तो वो यक्षिणी खा जाएगी, वो पितृ यक्ष उसको खा जाएगा। ऐसे ही आप कृपा करो तो वो धन प्राप्त हो सकता है, आपकी कृपा के बिना धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए कृपा मुख्य वस्तु है और उस कृपा को सद्गुरु करते हैं। श्रवण गुरु के द्वारा वस्तु का महत्व बोध, शिक्षा गुरु के द्वारा वस्तु तक जाने का रास्ता मिलेगा, दीक्षा गुरु के द्वारा कहीं संबंध जोड़ा जाएगा ठाकुर के पास में, परंतु सद्गुरु वे जब कृपा करेंगे तो उनकी कृपा के द्वारा जो ग्रंथ में वाणी में जो मधुर रस मिला है वह हृदय में उतरेगा। तो देह मोरे प्रेम धन से रतन मोरे गले हार, वो रत्न ही मेरे गले का हार हो जाएगा। वो मेरे मैं तो सर्वथा सर्वथा अयोग्य हूं, परंतु मैं गले का हार बन जाऊंगा। यदि मैं अपने बल पर चलूंगा तो मैं अभिमान रखूंगा तो मैं उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता हूं। जैसे जो वस्तु सिर पे चढ़ती है वो कहां रहती है, पीठ के ऊपर, परंतु यदि कोई गले पर करके भी रहे अयोग्य भी हो तो हार कहां रहता है, छाती के ऊपर। चोटी रहेगी सिर पर चढ़ने के कारण पीठ के ऊपर। परंतु हार रहेगा गले पड़ना, गला पड़ना एक मुहावरा है, गले पड़ना माने अयोग्य होकर के भी किसी के जबरदस्ती किसी के साथ में चिपकना, गले पड़ना। तो गले पड़ने पर वस्तु रहेगी, गले पड़ने पर भी माने अयोग्य होने पर भी यदि शरणागति ग्रहण कर ली है, कोई अनन्य आश्रय नहीं है, तो व्यक्ति गले का हार बन जाएगा। और जहां है जब ज्यादा मूल चढ़ाया जाएगा तो पीठ पर रहेगा, मूल चढ़ाए हू रहे परे पीठ कछु भार, और रहे गले पड़े राखबो तो ये पे हार। जब भैलदास कहते हैं भैलदास जी कि मूल चढ़ाए हू रहे, बावन को सिर के ऊपर चढ़ाया जाता है, मूल चढ़ाना एक मुहावरा है, मूल चढ़ाना माने अयोग्य होने पर भी किसी को आदर प्रदान करना, ये मूल चढ़ाना है। बच्चा बहुत मूल चढ़ गया है, इसको डांटो, ज्यादा उद्धम करे कहते मूल चढ़ गया, मूल चढ़ाए, तो मूल चढ़ाए वो रहे, बालों को मूल पर चढ़ाया जाए अयोग्य होने पर, शरणागति जिसने ग्रहण नहीं की है वो बालक को यह सिर चढ़ाया जाए तो जैसे वो उपद्रवी हो जाता है, परंतु बाल कंपटीशन में पिछड़ जाएगा। ऐसे ही मूल चढ़ाने पर भी बाल चोटी जो गिरेगी वो कहां गिरेगी, पीठ के ऊपर। जबकि गले पड़ करके भी यदि हार को रखना जाए तो हार गिरेगा कहां, हृदय का हार हो जाएगा। पर से रतन मोर गले हारा, वो रत्न ही मेरे गले का अपूर्व हार होकर के विराजमान हो जाएगा। तो हे श्री रूप सनातन मुझे प्रेम धन प्रदान करो, मैं आपके गले पा रहा हूं, मुझ में योग्यता नहीं है, मैं आपके गले पड़ रहा हूँ अयोग्य होकर के, आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं, मैं मूल नहीं चढ़ रहा हूँ, चरणों में पड़ रहा हूँ, मैं गले पड़ रहा हूँ, फिर भी यदि आप मुझे अपनाओगे तो आप जो मुझे प्रेम धन दोगे वो प्रेम धन गले का हार हो जाएगा, मैं भी आपके गले का हार बन जाऊंगा। तो कब वो स्थिति होगी कि अनादर करने पर भी अयोग्य होने पर भी आप मुझे गले का हार बना करके रखोगे और
प्रेम धन मेरे लिए गले का हार बन जाएगा, प्रेम धन भी मेरे गले का हार बन जाएगा, क्योंकि ये युगल प्रेम लक्ष्मण चेन हिम, युगल प्रेम जो है वह तो चमचमाता हुआ 24 कैरेट का सोना है, लक्ष्मण हिम होकर के वह कई बार तपाया हुआ सोना होकर के विराजमान है। तो ये राधा कृष्ण की जो लीला यह अत्यंत अत्यंत पूर्ण है, अगम अगम निगम निगम आगम अगम कहीं न सकहीं गुण ग्रंथ, और लोक वेद ते पर चलो परम परा को पंथ। ये जो परा प्रेम का पंथ है, परा भक्ति का जो पंथ है, ये पंथ कैसा है बोले निगम 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 जिसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, निगम का जहां दमन नहीं है, निगम 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 के लिए भी अगम में है और आगम अगम आगम के लिए भी वो अगम में है। कहीं न सकहीं गुण ग्रंथ, गुणी और ग्रंथ इस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते हैं, ये कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाली ही एकमात्र वस्तु है। कहीं न सकहीं गुण ग्रंथ जो गुणी और ग्रंथ है वे भी इसका इस श्री प्रियालाल का जो विशुद्ध निकुंज विहार श्री योगपीठ में श्री प्रियालाल का जो अपूर्व विहार है उसको ग्रंथ भी वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं है, क्योंकि लोक वेद इन सबसे परे होकर के या परा का पंथ है, जो परा भक्ति के मार्ग में है उनको इस भक्ति की प्राप्ति होगी। अतः भगवत श्यामा श्याम को दुर्गम कुंज विहार और नहीं समरथ खगराज की करे चकोर आहार। ये प्रियालाल का जो विहार है वो विहार जो शुद्ध प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम युगल प्रेम लक्ष्मण जैन है वो जो विलास है वह तो अत्यंत अत्यंत मूल्यवान है। ये श्यामा श्याम का जो नित्य विहार है वो नित्य विहार यह दुर्लभ है, यह उन लोगों को ही प्राप्त होगा जिनके ऊपर श्री गुरुदेव की पूर्ण कृपा प्राप्त हो गई है, जो अनन्य भक्त होकर के विराजमान है उनको प्राप्त होगा। इसमें तो श्री राधिका कृष्ण की ये जो लीला वो अत्यंत अत्यंत गूढ़तर होकर के विराजमान है। इनमें भी मधुर लीला में केवल सखी गणों का ही अधिकार है, सखी बिनु यही लीला कुश्ती नही है, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद है, सखी बिना इस रस की पुष्टी नहीं है, सखी इस लीला का विस्तार करने वाली और आस्वादन करने वाली होकर के विराजमान है। और सखी का स्वभाव ये है कि वह कृष्ण के साथ में कभी भी मिलन प्राप्त करना नहीं चाहती है, वह सर्वदा सर्वदा श्री युगल को ही मिलाना चाहती है। ये समर्था अपूर्व रति को अद्भुत होकर के विराजमान, श्री कृष्ण रति तीन प्रकार की, एक रति है समर्था, दूसरी है समंजसा, तीसरी है साधारण। साधारण से शुरू करते हैं, साधारण रति उसका नाम जहां कृष्ण का दर्शन करके भक्त को प्रेमी को अपूर्व आनंद की प्राप्ति आए। उपजा जी ने कृष्ण का दर्शन किया और दर्शन करके बड़े आनंद की प्राप्ति आई, आह कितना सुंदर पुरुष, आज इसका दर्शन करके किशोर का मेरी आंखें तृप्त हो गई। और उस स्थिति में अपने सुखों को पहले अपनी जेब में रख लिया और फिर विचार किया, आह ये पुरुष मुझे इतना सुख दे रहा है, अब बदले में भी मुझे इसे सुख देना चाहिए। अब आई सेवा की भावना, इसका नाम है सेवा की भावना। पहले सेवा की भावना नहीं थी, पहले कृष्ण का रूप देखा और रूप देख करके जो आनंद प्राप्त हुआ उस आनंद को अपनी जेब में रख लिया, उसका भोग कर लिया, सेवा की अभी कोई भावना नहीं। अब विचार आया कि ये युगल ये रूप ये युवक मुझे इतना सुख दे रहा है, अतः मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी इसे सुख दूं, ये भावना आई। तो अपना सुख अलग और तेरा सुख अलग, मेरा सुख अलग तेरा सुख अलग,
जहाँ बिल्कुल अलग अलग हो उसका नाम है साधारणी रति। यदि कोई कृष्ण के सुख को लेकर के स्वयं सुखी होता रहे कृष्ण से इसको कोई मतलब नहीं, उसकी ओर देखेंगे नहीं। कृष्ण का तो रूप ही ऐसा है कि देवांगना भी कृष्ण को देख करके मोहित हो जाती है, तो कोई देवांगना कृष्ण की प्रिया थोड़ी बन गई। कृष्ण उनके प्रति कभी कृपा भी नहीं करेंगे। कृष्ण रिश्ते हैं प्रेम से, कृष्ण रिश्ते हैं सेवा से। यदि कोई सेवा करना चाहेगा तो कृष्ण उसके ऊपर कृपा करेंगे, अन्यथा कृष्ण का रूप तो ऐसा है कि सभी मोहित हो जाते हैं। वृक्ष लता पशु पक्षी सब कृष्ण के रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं, तो सब कोई कृष्ण के प्रेसी बनने, कृष्ण की प्रिया बनने ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कृष्ण की प्रिया बनने का अधिकार उसको ही होगा जिसने सेवा करने की भावना है। तो जब तक पूजा के हृदय में ये विचार रहा कि ये युवक इतना सुंदर है, आहा इस युवक के माधुर्य का मैं आस्वादन करूं, उसने अपना सुख अपने पास पहले अलग पुड़िया बांध करके डिब्बे में रंधे करके जेब में पकड़ रख लिया। अब विचार आया कि इस कृष्ण को भी मुझे सुख देना चाहिए, तो सेवा की भावना आई। और सेवा की भावना आने पर जब चंदन और आत्मसमर्पण करती हुई वह विराजमान हुई तो श्री कृष्ण उसके ऊपर रिझ गए। कृष्ण रति से रिझते हैं, कृष्ण काम से नहीं रिझते। इसलिए नाथ सांद्रा जो प्रेम, सांद्र माने गाढ़ा न हो, घनीभूत न हो, नाथ सांद्रा हरे प्राय साक्षात दर्शन संभवा। श्री जो रति कृष्ण के साक्षात दर्शन से उत्पन्न हो और जिसमें सेवा करने की भावना गाढ़ी न हो। संभोगे छान निदान, इस युवक का दर्शन करके इससे मैं अन्य संग प्राप्त करूं, ये सेवा करने का भी निदान माने मूल कारण है। निदान कहते हैं डायग्नोसिस, किसी रोग की मूल कारण तक पहुंचना, उसका नाम है निदान। निदान मूल कारणम, निदान कहते हैं किसी वस्तु के मूल कारण तक पहुंचना। तो जहां पर संभोग इच्छा ही निदान है, मूल कारण था। श्री कुब्जा जो कृष्ण की सेवा कर रही हैं, वो भी संभोग इच्छा के कारण कृष्ण की सेवा कर रही हैं कि इस युवक से मेरा अंग संग प्राप्त हो, इसलिए मैं भी इसकी सेवा करूं, पहले अपना सुख ले लूं और फिर इसको भी सुख दूं। ये भावना जहां पर विराजमान है संभोग इच्छा निदान। संभोग इच्छा ही निदान माने मूल कारण है, तो उसका नाम साधारणी रति होगा। ये होगी साधारणी रति, अपना सुख अलग, शांत सुंदर का सुख अलग। शांत सुंदर को सुख देने की जो भावना है वह भी मैं इस युवक की सौंदर्य का उपभोग करूं, ये संभोग इच्छा ही उसमें मूल कारण है। ये हो गया साधारणी रति। अब समझ सारथि उसे कहेंगे जहां पर श्री कृष्ण के गुण इत्यादि को श्रवण किया जाए। श्रवण आदि के द्वारा जो प्रीति उत्पन्न हो, संभोग छात्र से साक्षात दर्शन से नहीं बल्कि श्रवण से भी जो प्रीति उत्पन्न हो जाए। कुब्जा की प्रीति उत्पन्न होती है दर्शन करने से, परंतु श्री रुक्मणी जी की कृष्ण में जो प्रीति उत्पन्न होती है वह दर्शन करने से नहीं है, वह केवल गुणों का श्रवण नारद के द्वारा करने पर उनके हृदय में प्रीति उत्पन्न हो जाती है। तो जो श्रवण आदि से उत्पन्न हो और जिसमें क्वचित भेदित संभोग इच्छा, जहां पर सेवा और संभोग इच्छा ये कभी मिली हुई है और कभी नहीं मिली, अब दो स्थिति हो गई। कभी तो कृष्ण की सेवा के साथ में ही मिलन जुड़ा हुआ है, कभी पहले मैं भोग कर लूं अपने हिस्से का सुख अपनी जेब में रखूं फिर कृष्ण को थोड़ा बहुत सुख देती रहूंगी, ये भाव है। परंतु श्री रुक्मणी जी में क्वचित भेदित संभोग इच्छा, दोनों तरह के भाव है। कभी कृष्ण का दर्शन करके, अपने पति का दर्शन करके, उस पति के द्वारा स्वयं अपना सुख चाहती हैं
जहां अपना सबसे आहार सत्यानाश कृष्ण उस समय रुक्मणी जी की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु रुक्मणी जी को यह अधिकार है कि हम इनके साथ में विवाहित इनकी पत्नी है, साथ फेरा हमने लिया है अग्नि की साक्षी में, हमको इनके साथ में मिलन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है शास्त्र की दृष्टि से, इसलिए इनकी धर्म पत्नी होने के कारण धर्मे अर्थे कामे च नाथ चर्तव्य नाथ चरामी ये प्रतिज्ञा करके विवाह के समय हम विराजमान हुई हैं, अतः इनके साथ में काम व्यवहार स्थापित करने का हमको अधिकार प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इनके साथ में मिलन प्राप्त करें। परंतु जहां कृष्ण को सुख देने की भावना नहीं है और इस अधिकार के आधार पर कृष्ण के साथ में यदि ये मिलन प्राप्त करना चाहती है तो श्री कृष्ण इनकी ओर देखते भी नहीं है। और उसका वर्णन श्री सुखदेव जी ने खूब किया कि उद्दाम भाव कृष्णा मलभंग हासो बीड़ावलोक निहितो मंदो प्रयासम समूह चाप मजहा प्रमुदोस्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमतितुं कुहकै न शेको, कि जो प्रमुदोत्तमा परम श्रेष्ठ सुंदरी रुक्मणी इत्यादि के हैं वे भी अपने कटाक्ष प्रेम भाव अपकटाक्ष मिलन के हाव भाव हेवा हेला के द्वारा यदि कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करना चाहें तो कृष्ण को आकर्षित कर सकने में रुक्मणी समर्थ नहीं है, कृष्ण वहां पर वशीभूत नहीं है। परंतु जहां रुक्मणी ये विचार करती है कि हाय शास्त्र ने हमको इनकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया, हम बड़ी भाग्यशाली हैं कि इनकी प्रिया बनकर के विराजमान, अब मैं अपने आप के द्वारा भी इनको समर्पित करूं, शास्त्र भी इस बात की अनुमति देता है, अब मैं अपने आप का समर्पण करके इनकी सेवा करूं और सेवा करते हुए सुख मिलाऊं, सुख प्राप्त करूं, तो अपना सुख और कृष्ण सेवा ये दोनों जहां मिली हुई है वहां पर तो कृष्ण वशीभूत हो जाएंगे। और रुक्मणी जी से कहने लगेंगे बोले रुक्मणी तुम्हारे प्रेम का के समान कोई नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ में हंसी की परंतु तुमने मेरी हंसी के वचनों को भी सत्य करके दिखा दिया, हे भीरु भामिनी तुमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारा त्याग करने के लिए तैयार नहीं हूं, त्याग करने नहीं जा रहा हूं, ये तो मैंने केवल मजाक किया था कि रुक्मणी तुम्हारी हमारी जोड़ी नहीं मिली, क्या देख करके तुमने हमारे साथ में ब्याह कर लिया, तुम गोरी हम काले, फिर तुम राजा की बेटी, हम तो राजा है नहीं।